तो मैं अभी जा रही हूँ भाभी के घर में पिक के लिए खाना लाई थी वो बाल्टी देने के लिए। तो बारिश की वजह से बाहर भी नहीं निकल पाई, स्कूल भी नहीं जा पाई। 3-4 दिन हो चुकी है स्कूल नहीं जा पाई। तो अभी इसलिए बारिश तो थम चुकी है दोपहर से। तो मैं अभी बाबा के घर में जा रही हूँ और जाके मेरी पिक को भी देख के आऊँगी मैं, जो दूसरे के घर में दी हूँ। दूसरे के घर मतलब मेरी दी की मेरी दीदी ही है, वो ज़्यादा रबर की पेड़ है ना, इसलिए सही ज़्यादा रबर की घास है ना, इसलिए ज़्यादा मच्छर है और मच्छर काट रहा है मुझे। कोई बात नहीं, तो मैं घर में आ चुकी हूँ, घर में कोई नहीं है तो शायद उधर गई होगी भाभी। तो हम लोग बाहर में रहने वाली है, पहाड़ी लोग है हम, तो इसलिए थोड़ा सा जंगल है। तो ये है मेरी भैया का घर, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो बाहर से इस तरह देखती है भैया के घर। भैया यानी कि मेरे पापा के बड़े भाई का बेटा है मेरा भैया। तो सरकारी नौकरी करती है, तो उसके घर ख़त्म नहीं हुई है। तो ये है मेरा पिक जो मैंने दी थी दीदी को। तो एक कपी बड़ा हो चुकी है ये दी का है। तो मैं पिक देखने के बाद ये जो रबर की पेड़ है वहाँ से निकल के आई हूँ हमारी नई घर पर, क्योंकि मेरी बेटी के जूते को दे गई थी मैं यहाँ पर। तो जाते वक्त जूते लेके जाने वाली हूँ। तो ये है मेरा रूम, मैं आने वाली साल पे आ जाऊँगी नए साल पर। मैं अभी भी इसलिए नहीं आ रही हूँ क्योंकि मेरा किचन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं अभी भी नहीं आई हूँ। अगर ख़त्म हो जाएगा तो आ जाऊँगी। तो मैं यहाँ पर आने भी जाती हूँ और नहीं भी आने जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आती तो मैं जो आगे के घर पे रहती हूँ वहाँ पर तो पहले के घर में कमाई करने के रास्ते हैं, तो इधर पे तो कोई रास्ते नहीं दिखते हैं मुझे, तो इसलिए मैं अभी तक नहीं आई हूँ। तो सोच रही हूँ आने वाले साल में आ जाऊँगी, क्योंकि मैं भी वहाँ पर रह के लिए हूँ बोर हो जाती हूँ। मेरा देवर और मेरा सास और मेरे देवर की बीवी इधर ही आ गई है नए घर पर। इस रूम में रहते हैं मेरा सास और अभी मेरी देवर की किचन दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। तो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है ये किचन भी। आधे सी रह गई, आधे लगाए गए हैं टाइल्स को। तो मैं आई हूँ नए घर पर, रात हो चुकी है तो रात के खाना बनाने वाली हूँ। तो सभी मिलके खाने वाली हूँ आज एक साथ घर के लोग। मेरी देवर ने बीवी ने कहा मैं बनाऊंगी खाना, तो मैंने कहा चलो मैं आज आई हूँ तो मैं बना लूंगी आज, तू रहने दे। तो मैं बना रही हूँ खाना। अरे बासना ना आनू ना फैदी तुझा।
भाई आगे नाइगे ना बासा पसंद खेसाखरना बुरी दो बुरी मासा नाइथ आब दल बसिंग तो ये है हमारी कल्चर की ड्रेस, इसको कहते हैं रीसा। तो रीसा बहुत ही सुंदर है, हमारी जो कल्चर की ड्रेस वो सब सुंदर है। ये हाथों में बनाती है, घर में लड़किया घर में बैठ के ये सब बनाती है, खुद की कमाई करती है। ये अगर ये 500 की होगी शायद, मुझे नहीं मालूम, मैंने पूछा नहीं मेरे देवर की दीदी को। तो ये दो तरह के रिसा यहाँ पर है, बहुत ही सुंदर है। तो देखिए कितनी सुंदर है। अभी खाना खाने है, मैं अभी घर में चलाने वाली हूँ हमारे पुराने घर पर फिर से। अच्छा पापा, घर में जाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कल से आज से लेकर 5 की हो चुकी है, सिर्फ बारिश से बारिश है। तो कहीं भी नहीं जा पा रही हूँ बारिश की वजह से। तो आप देखिए किस तरह से पानी जा रही है। बारिश ज़्यादा होने से सारी जगह पे पानी भर चुकी है, तो सभी मछली पकड़ रही है। तो मेरे पति भी जाकर मछली पकड़ के लाई है। यहाँ पर 5 मछली है। मालो खुशिया बन का की फुले रिमानी है। मैं आज मेरे भैया को राखी बनने वाला हूँ। तो मैं फिर से अभी घर पे आई हूँ, क्योंकि दी आई है घर पे उनकी बाई को, यानी कि मेरे पति को राखी बनने के लिए। तो ये सब देखते थे फर्स्ट तक। पत्रिका कान चले नन पैसा मारे पे सूरा गले अब जान थे ना।
आगे दादी आ किसा नाइ छोटा बुसा नाइ छौ नै हम से बारा दन कौन है ये ज्यादा क्यों भूखी है सिंदूर फूल पाजे खाला कपाल सादी मिस्टी सादी बन बाबा ठीक है जाऊंगे खाई तो एक हजार में मेरी बहन सबका गुंडी है एक नंबर है सुना चाची दादा सुना सिंदूर दीदी सिंदूर फूल का दे बाबा आगे सिंदूर फूल काम बहुत ठीक तो गया याक दीदी याक दीदी बाबा मामा छुरी नहीं वो दादान मिस्टी सर दिए पाखे के इसे गुट बखे तो नहीं चलता मखे तो नहीं बाबा आ जाओ फिर चलो जाओ मुरा
जानो वाला जा रहा है जो जा तो यहां बाय सारे सारे नहीं बाय।